चैप्टर जिसका नाम है ऊतक यानी टिश्यूज के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको ये बोर्ड पर दिखाई दे रही हैं, मैं आपको इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। चूँकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैंने सारी जानकारी इस वीडियो का, वो इस चैप्टर का, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है पहले, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे और कम टाइम में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ मैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा स्पीड में लिखिएगा, या मैं आपसे सबसे बढ़िया बात ये कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम भी दूंगा। 13 पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, वो बाद में आप लिख सकते हैं। ऊतक आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हेडिंग है, चैप्टर का नाम है, और पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, हर पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे ऊतक विज्ञान या इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। एग्जामिनर जब भी सवाल पूछेगा तो आपको हिस्टोलॉजी ही दे करके पूछेगा। इस हिस्टोलॉजी को ऐसे हिंदी में लिख देगा एग्जामिनर कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊतक शब्द का प्रयोग यानी कि टर्म टिश्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, शब्द ऊतक का प्रयोग सर्वप्रथम बाई चैट नामक वैज्ञानिक ने किया था। साइंटिस्ट का नाम है बाई चैट नामक वैज्ञानिक ने किया था, और मार्सेलो मॉलपिघी नामक वैज्ञानिक को ऊतक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन इस पहले पेज में, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पेज मैं चेंज करूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज ये है कि ऊतक की परिभाषा क्या है। परिभाषा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति तथा कार्य की दृष्टि से समान होते हैं उसे ऊतक कहते हैं। कुछ लोग ऊतक की परिभाषा केवल इतना बता देते हैं कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। याद रखें ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ये परिभाषा इनकम्प्लीट है। मैं कह रहा हूं कि गलत है। आपको ये कहना चाहिए कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक कोशिकाएं आप कहिए चल जाएगा, लेकिन ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति और कार्य की दृष्टि से समान हो, जिनकी ओरिजिन सेम हो, यानी कोशिकाएं ऐसी होनी चाहिए जिनकी उत्पत्ति समान हो, और कोशिकाओं का समूह ऐसा होना चाहिए जो कार्य भी समान करें, यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं उसे ऊतक कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह आर्टिकल थोड़ा सा ऊतकों के प्रकार होना चाहिए था, तो अभी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा आप इसका। ऊतकों के प्रकार, ऊतक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियम ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम ऊतक को इंग्लिश में एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक को मस्कुलर टिश्यू, और तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यू कहा जाता है। अब मैं नेक्स्ट पेज में इन चारों को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट अब ले लिया है, क्योंकि अब मैं पेज को चेंज करूंगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज पर यह है पहला, इपिथीलियम ऊतक
या इसे उपकला हिंदी में कहा जाता है। पहला पॉइंट, इस ऊतक की कोशिकाएं पतली परत के रूप में पाई जाती हैं। यह शरीर के लिए रक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया कि ऊतक उसे कहती हैं जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो और जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान हो। तो इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो इतनी सटी सटी होती हैं, कई कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक बनाती हैं, ये तो अपने दिमाग में रख लीजिए। इनकी कोशिकाएं इतनी आपस में सटी होती हैं कि उनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। जैसे ये हमारा त्वचा है, त्वचा जो है वो एक प्रकार का एपिथीलियम ऊतक का उदाहरण है। हमारे शरीर का जो वाह आवरण है, जो एक्सटर्नल लेयर है, वो एपिथीलियम ऊतक का कार्य करता है। यह ऊतक वातावरण तथा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए ये त्वचा है, तो त्वचा वातावरण से कोई भी चीज़ अंदर आ रही है, जल है, अगर जल को मैंने डाला तो वो त्वचा से धीरे धीरे होकर के अंदर जाएगा, पसीना अंदर से बाहर निकलेगा। तो ये शरीर के अंदर और वातावरण के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करने का काम करती है। इसका ये चार पॉइंट। पहला पॉइंट, ये कोशिकाएं पतली होती हैं, पतली परत के रूप में पाई जाती हैं और ये हमारे शरीर के रक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती हैं। ये ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं जिसमें रिक्त स्थान बहुत कम, और यह ऊतक वातावरण तथा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, उपकला ऊतक के कार्य। उपकला ऊतक का मुख्य कार्य शरीर एवं अंतरांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करना। त्वचा तथा संवेदांगों, संवेदांगों का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स की उपकलाएं संवेदना ग्रहण करने का काम करती हैं। संवेदना, स्मेल को, किसी बात को सुनना आदि। उपकलाओं की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है के कारण पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता होती है, अतः यह घावों को भरने में सहायक होती है। जैसे ये त्वचा है, चोट लग गई तो इसमें पुनरुद्भवन, ये खुद अपनी संख्या, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, यानी ये खुद अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। तो चोट लगने पर ये धीरे 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 ये अपनी संख्या को बढ़ा करके घाव को भर सकता है। ये है उपकला ऊतक के कार्य। तो ये तीन महत्वपूर्ण कार्य। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस ऊतक में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, तो उपकला या एपिथीलियम टिश्यू में रीजनरेशन पावर होती है, ग्रेट पावर होती है रीजनरेशन की, इसलिए ये घावों को भरने में सहायक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, या अगर अभी नहीं लिया है तो अब ले लीजिए। नेक्स्ट पेज ये दूसरा, संयोजी ऊतक। पहला मैंने आपको बताया था एपिथीलियम ऊतक, अब ये है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जिसको हिंदी में बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव करने का मतलब ये दो अंगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, दो अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे ब्लड है, ब्लड हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों को जोड़ देता है। जैसे लसिका है, संपूर्ण अंगों को जोड़ देता है। जैसे हड्डियां हैं, उपास्थियां हैं, ये सब जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। तो इसमें लिखा है कि ये विशेष प्रकार के ऊतक होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को आधार देने, यानी कि उसको बेस प्रदान करना तथा उनके उन्हें अपने स्थान पर बनाए रखने में और परस्पर जोड़ने का काम करती हैं। संयोजी यानी कनेक्ट करना, तो वहीं से आपको पता चला कि ये जोड़ने का काम करती हैं, कोशिकाओं को आधार प्रदान करती हैं, कोशिकाओं को अपने स्थान पर बने रहने के लिए सहायता करती हैं। ये शरीर को सुरक्षा, सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। उदाहरण जैसे अस्थियां, उपास्थियां, स्नायु जिसे लिगामेंट, रुधिर, लसिका यानी लिम्फ इंग्लिश में कहा जाता है लसिका को। तो ये सारी चीज़ें उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। रुधिर को तो मैंने और लसिका को मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है जब मैंने आपको परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया है।
उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि संयोजी ऊतक के प्रकार यानी कि कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का है। तो पहला है अस्थि, यह एक दृढ़ संयोजी ऊतक है, यह हार्ड होता है, अस्थियां हार्ड होती हैं। यह शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। आपको पता है कि अगर हमारे शरीर में कंकाल ना होता तो हमारा शरीर जो होता मांस का एक लोथड़ा होता। हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति इसी अस्थियों के द्वारा या हड्डियों के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें फॉस्फेट, कार्बोनेट तथा ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये मैंने आपको एक चैप्टर जब पढ़ाया था कंकाल तंत्र, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि कंकाल में ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियों में ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो जो हड्डियाँ होती हैं उसमें फॉस्फेट, कार्बोनेट तथा ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ये इतनी कठोर होती हैं। यानी हड्डियाँ कठोर क्यों हैं, सख्त क्यों हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फेट है, कार्बोनेट है और ऑसिन प्रोटीन पाई जाती है। और इसकी जो अस्थियों की जो सबसे बाह्य लेयर होती है, अस्थियों की जो सबसे बाह्यतम परत होती है, यानी कि जो अस्थि की गुहा जो कैविटी होती है उसे मज्जा गुहा कहते हैं। और इसमें एक अर्ध ठोस कोमल वसीय ऊतक भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। दोस्तों, अस्थियों में जो कोमल ऊतक भरा है या जो कोमल वसीय ऊतक भरा होता है उसे अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये जो अस्थि मज्जा होता है ये केवल अस्थियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, उपास्थियों में नहीं पाया जाता। अस्थि मज्जा केवल अस्थियों में पाया जाता है, उपास्थियों में नहीं पाया जाता। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि अस्थि मज्जा के कार्य क्या हैं। तो अस्थि मज्जा का कार्य होता है रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करना, ब्लड सेल्स का निर्माण करना, आरबीसीज का निर्माण करना, डब्ल्यूबीसीज का निर्माण करना, प्लेटलेट्स का निर्माण करना। ये सब कार्य अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के द्वारा किया जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट पेज में मैं अभी लिखा हूँ वो आपको दिखाई देगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो अब ले लीजिए, क्योंकि पेज को अब चेंज किया जाएगा। दोस्तों, ये है अस्थि मज्जा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है। और नोट में यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइंट ये है कि यदि हड्डियों को कुछ दिनों तक यदि तनु अम्ल यानी HCl, तनु HCl अम्ल में रख दिया जाए तो इससे हड्डियों के लवण यानी हड्डियों में जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट होता है वो एसिड में घुल जाएगा, जिससे यह कोमल व लचीली हो जाती है। इस क्रिया को हड्डी का डीकैल्सीकरण या डीकैल्सीफिकेशन ऑफ बोन कहते हैं। यानी यदि हड्डियों को तनु HCl अम्ल में कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो हड्डियां कोमल और लचीली हो जाती हैं। क्यों कोमल और लचीली हो जाती हैं? क्योंकि हड्डियों में उपस्थित जो सॉल्ट है वो HCl में घुल जाएगा, अम्ल में घुल जाएगा, जिस कारण यह प्रक्रिया डीकैल्सीफिकेशन ऑफ बोन या हड्डियों का डीकैल्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है दूसरा उपास्थि, जिसे इंग्लिश में कर्टिलेज कहते हैं। उपास्थि भी दृढ़ होती है परंतु हड्डियों की तुलना में लचीली होती है, जो दबाव व तनाव को सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखता है। यानी जो उपास्थियां होती हैं, मैंने आपको जब बोन पढ़ाया था यानी अभी हड्डी जब पढ़ाया था तो हड्डियों में यही पहला पॉइंट लिखाया है कि हड्डियां सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं। उपास्थियां भी हार्ड होती हैं लेकिन ये लचीली भी होती हैं और ये दबाव व तनाव को सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखती हैं। कौन? उपास्थियां। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पेज ये है, उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नलिकाओं में पाई जाती है। अब देखिए, मैंने जब अस्थियां आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अस्थियों में ऑसिन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। दोनों में अंतर को समझिए। हड्डियां कठोर हैं,
अस्थियां उपास्थियां जो हैं वो उतनी कठोर नहीं हैं। हड्डियों में ऑसिन प्रोटीन है और उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन है। अस्थियों में अस्थि मज्जा पाई जाती है, उपास्थियों में अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती। ये है दोनों में अंतर। फिर से सुनिए, हड्डियां सख्त कठोर हैं, दृढ़ हैं, उपास्थियां दृढ़ हैं लेकिन उतनी नहीं है, ये लचीली है। अस्थियों में ऑसिन प्रोटीन, उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अस्थियों में अस्थि मज्जा है और उपास्थियों में अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती। और नोट में दो प्रकार के ऊतकों का नाम यहाँ पर लिखा गया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट को हिंदी में स्नायु, टेंडन को हिंदी में कॉन्ड्रा कहते हैं। स्नायु जो होता है यह बोन को बोन से जोड़ता है, यानी लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन जो होता है वह बोन को उपास्थियों से जोड़ता है। ये सवाल पूछा जाता है कि बोन को बोन से जोड़ने वाले ऊतक का नाम क्या है, लिगामेंट। बोन को उपास्थियों से जोड़ने वाले ऊतक का नाम क्या है, टेंडन। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, क्योंकि पेज को मैं फिर से चेंज करूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज ये है, पेशीय ऊतक। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। पहला था एपिथेलियल ऊतक, दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है पेशीय ऊतक। यह हमारे शरीर की बाह्य त्वचा तथा अस्थि कंकाल के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से बना होता है। जैसे ये है हमारी त्वचा और बीच में है हड्डी, तो हड्डी और त्वचा के बीच का जो भाग है वो क्या है, मांसपेशियां हैं। पेशीय ऊतक एक संकुचनशील ऊतक होता है, ये संकुचित होता है, दबाया हमने ये दब गया, फिर छोड़ दिया, फिर से अपनी कंडीशन में आ गया। और यह तीन प्रकार का होता है, अरेखित पेशियां, रेखित पेशियां, हृद पेशियां। अनस्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल्स, ये तीन प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के पेज में मैं इन तीनों पेशियों के बीच में अंतर आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पेज ये है, पहला है अरेखित, दूसरा है रेखित, तीसरा है हृद। अरेखित पेशियां अनैच्छिक होती हैं, अर्थात इसमें हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता। अरेखित पेशियां अनैच्छिक हैं, इस पर हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता। जैसे आहार नाल की गति, आहार नाल की गति का मतलब यह है कि जब हमने भोजन को ग्रहण किया तो भोजन अपने आप नीचे चला जाएगा, मैं चाह करके भी उसको रोक नहीं सकता। जैसे जो आपका फेफड़े का संकुचन होता है, आप चाहें तो फेफड़े के संकुचन को नहीं रोक सकते हैं। तो ये सब जो है वो अनैच्छिक पेशियां हैं, और ये ऐच्छिक होती हैं, इस पर हमारी इच्छाओं का नियंत्रण है, चलना दौड़ना ये सारी चीज़ें ऐच्छिक हैं। और हृदय पेशियां भी अनैच्छिक हैं, जो हार्ट बीट है, मनुष्य का हृदय जो होता है वो हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है, और मनुष्य का हृदय सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, एक सिकुड़न और एक फैलने को, हृदय के सिकुड़ने को सिस्टोल पढ़ा चुका हूँ परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में, जब हृदय पढ़ाया था। जब हृदय सिकुड़ता है तो उसे सिस्टोल कहते हैं, और जब हृदय फैलता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं। एक सिस्टोल एक डायस्टोल को एक हार्ट बीट कहते हैं। तो मनुष्य का हृदय हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है, इसलिए वो अनैच्छिक है, वो बिना इच्छा से सिकुड़ेगा फैलेगा, हम चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। इसमें कोशिका द्रव्य में केवल एक केंद्रक पाया जाता है, इसमें कई केंद्रक, उसमें भी केवल एक केंद्रक। इसकी कोशिकाओं में धारियां नहीं पाई जाती, इसमें पाई जाती हैं, उसमें भी पाई जाती हैं। और ये फिगर है, देखिए इसमें केवल एक एक केंद्रक ऐसे पाया जाता है, इसमें देखिए कई केंद्रक है, और इसमें ये धारियां भी हैं, और उसमें भी धारियां पाई जाती हैं इस तरीके से। अब दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि नेक्स्ट पेज में अब मैं नर्वस टिश्यू के बारे में, अंतिम ऊतक जो चौथा है तंत्रिका ऊतक, उसके बारे में बात करूंगा। तो नेक्स्ट पेज ये है, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक का निर्माण विशेष प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि नर्व सेल्स के द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक, ऊतक कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है,
तो इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे बड़ी यानी कि लॉन्गेस्ट, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। इनकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। मनुष्य के शरीर में लगभग 100 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। मस्तिष्क में इसकी संख्या अधिक होती है या सर्वाधिक होती है? सवाल पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो मस्तिष्क में। और तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला है कोशिका काय, दूसरा है डेंड्रॉन और तीसरा है एक्सॉन। आपको पता ही होगा तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी हैं। तंत्रिका कोशिकाएं ही जो होती हैं वो वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करती हैं। जैसे इस बोर्ड को अगर मैंने टच किया तो ये बोर्ड गर्म है और इस जल्दी से मैं अपने हाथ को हटा लेता हूँ, तो ये तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी सांप को देखा, तो सांप को देखने के बाद मेरी आँखों से सूचनाएँ मेरे ब्रेन तक पहुँचाई गई। ये सारी चीज़ें मैंने आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाया है, इसलिए कुछ उस वीडियो को अगर आप फिर से देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ये जो होता है ये इस तरीके से इसकी संरचना होती है। इसका जो बीच वाला भाग है ये गोला सा, इसी को डेंड्रॉन कहते हैं। और ये है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। और इसके चारों ओर ये जो ग्रीन कलर से बनाया गया है इसे निसल्स पार्टिकल कहते हैं। फिर ये है एक्सॉन, ये जो ब्लैक कलर का है लंबा सा लाइन, ये है एक्सॉन। और इसके ऊपर ये रेड कलर की जो लेयर बनाई गई है इसे माइलिन सीथ कहते हैं। और ये उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये जो रेड कलर की सीथ है लेयर जो है इसे माइलिन सीथ कहते हैं और ये उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में ये देखिए ये छोटा सा जो ये इसे नोड पाया जाता है यानी ये जो खाली स्थान पाया जाता है इसे नोड ऑफ रणवीयर कहते हैं। और ये है कोशिका का अंतिम भाग जिसे सिनैप्स या युग्मानुबंध कहते हैं। तो ये इस तरीके से मैसेज को दूसरे तंत्रिका कोशिका को ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरा तीसरे तंत्रिका कोशिका को। जैसे मान लीजिए कि ये उदाहरण मैंने दिया ना कि ये बोर्ड को मैंने टच किया, बोर्ड गर्म है तो मैं जल्दी से अपने हाथ को हटा लेता हूँ, तो मेरे त्वचा से मैसेज को ब्रेन तक भेजा जाता है, फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमें अपने हाथ को हटा लेना चाहिए। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से कोई तंत्रिका कोशिका है और ब्रेन तक सीधा पहुँच गई। एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को मैसेज ऐसे इस तरीके से ट्रांसफ़र करता रहता है। और जिस रासायनिक पदार्थ की सहायता से एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका को मैसेज ट्रांसफ़र करता है उसे एसिटिल कोलिन कहा जाता है। मैं लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो नेक्स्ट पेज ये है कि एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका को सूचना एसिटिल, पॉइंट थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, एसिटिल कोलिन नामक पदार्थ की सहायता से स्थानांतरित करते हैं, तो ये पॉइंट अगर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये है हमारे हाथ की त्वचा और ये है हमारा मस्तिष्क। हाथ की त्वचा से किसी सूचना को ब्रेन तक ले जाना है। मान लीजिए ये सूचना है कि गर्म, इसने हाथ की त्वचा ने गर्म वस्तु को छू
छू लिया, अब यहाँ से सूचना ले जाना है, तो जब यहाँ से सूचना एक तंत्रिका कोशिका ऐसे ले गई, यहीं पर आकर तंत्रिका कोशिका समाप्त हो गई, तो ये सूचना इस दूसरे वाले को ट्रांसफ़र कर देगा, दूसरा वाला से तीसरे वाले के पास चला जाएगा, तीसरा वाला फिर मस्तिष्क तक लेकर गया चौथे वाले की सहायता से। तो ये देखिए, जो एक तंत्रिका कोशिका दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को जिस पदार्थ की सहायता से ट्रांसफ़र करता है, उस पदार्थ का नाम है एसिटिल कोलिन। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण, जैसे मान लीजिए ये है कोई स्थान और ये है कोई दूसरा स्थान, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है इस तरीके से, अब पता चला कि यहाँ पर ले जाना है, तो ये व्यक्ति लेकर गया किसी वस्तु को, दूसरे व्यक्ति को दे दिया, दूसरा व्यक्ति जो गया वो तीसरे व्यक्ति को दे दिया, तीसरा वाला जो दिया वो चौथे व्यक्ति को दे दिया, चौथा वाला व्यक्ति गया उस स्थान पर पहुँचा दिया। तो ये देखिए, मान लीजिए यही है तंत्रिका कोशिका, ये मान लीजिए कि सूचना ये ग्रहण किया है कि ये चीज़, ये स्थान बहुत गर्म है, इसे छोड़ना है, और ये है मस्तिष्क, तो ये लेकर गया, तो इसको एसिटिल कोलिन की सहायता से इसको भेज दिया, ये इसको 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 इस तरीके से पहुंचता है, ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई तंत्रिका कोशिका ख़त्म होती है वहीं से दूसरी तंत्रिका कोशिका शुरू होती है, जहाँ से दूसरी ख़त्म होती है वहीं से तीसरी, जहाँ से तीसरी ख़त्म होती है वहीं से चौथी, और इस तरीके से अपनी सूचनाओं को वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हुए मस्तिष्क तक लेकर के चले जाते हैं। और फिर मस्तिष्क जो होता है हमें बताता है कि अब हमें क्या करना है, हमें हाथ को हटाना है, अगर हमें कोई सांप देख लिया तो मुझे भागना है, ये सारे काम जो होते हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन ब्रेन तक सूचनाओं को कौन पहुंचाता है? तंत्रिका कोशिका, और किस पदार्थ की सहायता से पहुंचाता है? उसका नाम है एसिटिल कोलिन। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका ये चैप्टर ऊतक वाला कंप्लीट हुआ, उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।